अनुपमा हुई गायब, अनुपमा को मिला एक और रास्ता, अनुज हुआ अनुपमा के लिए परेशान। स्टार प्लस का शो अनुपमा के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि खाने में कॉकरोच निकलने के बाद यशदीप को भी ऐसा लग रहा है कि इन सब में अनुपमा की गलती है। अगर अनुपमा फोन पर अनुज से बात नहीं कर रही होती तो शायद फूड क्रिटिक्स के सामने अच्छा खाना जाता। यशदीप इन सब में अनुपमा की गलती बताता है। वह यशदीप की कड़वी बातों को सुनने के बाद अनुपमा टूट जाती है। वो स्पाइस एंड चटनी छोड़कर बाहर निकल जाती है और वो अचानक गायब हो जाती है। ना तो वो घर वापस जाती है, ना वो यशदीप के पास होती है और ना ही किंजल के पास। अब अनुज अनुपमा के बारे में श्रुति से बात कर रहा होता है और अनुज कहता है कि इन सब में उसकी गलती है। अगर अनुज अनुपमा को वीडियो कॉल करता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर श्रुति कहती है कि तुम शायद गलत हो। श्रुति कहती है कि अनुपमा ने सफाई ना की हो और हो सकता है उसी वजह से कॉकरोच आया हो। अब यहाँ पर अनुज का गुस्सा श्रुति पर फूट पड़ता है। अनुज कहता है कि मुझे पता है कि अनुपमा ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। अनुज अनुपमा को ढूंढते हुए यशदीप को कॉल करता है तो यशदीप अनुज को भी ताने मारता है और कहता है कि अगर अनुपमा कहीं नहीं होगी तो आप तो उसे ढूंढ ही लेंगे। अब अनुज ढूंढ रहा है अनुपमा को। वही अनुपमा सड़कों में भटक रही है और फूट फूट कर रो रही है कि तभी वो अपनी माँ को इमेजिन करती है और माँ के साथ जो भी बात इमेजिनेशन में होती है उसके बाद अनुपमा ये डिसाइड करती है कि वो असली दोषी को ढूंढेगी। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।